जिला बिलासपुर के कुठेड़ा में योग शिक्षक कैंप के कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन भारत स्वाभिमान प्रभारी डॉक्टर राजेश भारद्वाज की अध्यक्षता में किया गया। इस प्रशिक्षण कैंप में 50 योग साधकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भारत स्वाभिमान प्रभारी डॉक्टर राजेश भारद्वाज ने बताया कि आज के युग में योग हमारे जीवन का एक अंग बन गया है। यदि कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटा भी योग करे तो निश्चित तौर पर बड़ी से बड़ी बीमारी से बच सकता है। महिला जिला सह प्रभारी उषा रानी ने कहा कि आज विश्व के कई देशों में योग का लोहा मान चुके हैं और जिस वजह से आज सरकार योग को घर घर तक लाने का प्रयत्न कर रही है। पतंजलि योग प्रभारी करमचंद ठाकुर ने कहा कि स्कूलों में भी योग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि बच्चे भी स्वस्थ रहें। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति का एक ही मकसद है कि योग प्रशिक्षण से लोगों को योग की पूरी जानकारी हो। इस दौरान सभी शिक्षकों ने नशा निवारण के ऊपर लोगों को जागरूक किया और कुठेड़ा बाजार में उगी भांग की खेती को भी नष्ट किया और संपूर्ण स्वच्छता का संदेश लोगों को दिया। ओम जी, मैं डॉक्टर राजेश भारद्वाज, जिला प्रभारी भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति। आज जिला बिलासपुर के घुमारवीं तहसील की कुठेड़ा में एक योग कैंप रखा हुआ था, एक दिवसीय योग कैंप। इसमें लगभग 50 योग साधकों ने भाग लिया, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य जो है घर घर तक योग को पहुंचाना है, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके साथ हमारा एक नशा निवारण कैंप भी था, जिसमें थोड़ा हमने जो है वो यहाँ पर जो भांग के पौधे थे उनको उखाड़ा, जिसमें सभी योग साधकों ने साथ में जो है इस अभियान में भी साथ दिया। और साथ में स्वच्छता अभियान भी था हमारा, क्योंकि 2 अक्टूबर को संपूर्ण भारत में जो है वो स्वच्छता भारत अभियान चलाया जाता है, तो उसकी शुरुआत हम अभी से कर रहे हैं, जो हमारी सरकार का और सभी नागरिकों का जो है मुख्य उद्देश्य है। तो इसके लिए जो है वो मैं सभी योग साधकों का, अपने ग्रुप का, सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं उषा रानी बिलासपुर से सहयोग शिक्षक के रूप में काम करती हूँ और योगा का प्रचार करती हूँ। योगा का प्रचार करने के लिए हमें ये मौका मिला है कि जैसे जैसे लोगों को कोई प्रॉब्लम, किसी भी बीमारी से जूझ रहे लोग थे, जैसे कोई एलर्जी होगी, खांसी जुकाम, पुराने से पुराना खांसी जुकाम हो गया और थायराइड हो गया, एसिडिटी होगी, इस टाइप की छोटी मोटी जो भी बीमारियां, बड़ी से बड़ी या छोटी मोटी समझ जो भी जिसको जैसी थी, वो लोग वैसी बीमारियों को लेके आए और 15-20 दिन हमने लगातार शिविर लगाया, क्लासेस लगाई और जी बीमारी के अकॉर्डिंग जो योगा करवाया उससे उनको 15 दिन में रिलीफ हो गया। जैसे जैसे उन्होंने इसका फ़ायदा उनको लगा और उन्होंने कंटिन्यू करना शुरू करा योगा, और इसको हमने बिलासपुर, हिमाचल के बिलासपुर में नेशनल लेवल का कैंप लगाया और हमने अभी एडवांस योगा का जो और इन्होंने जोड़े हैं एडवांस योगा में, जो जो अभी तक हमारी किताबों में नहीं छपा है, उसको भी हमने सीखा कि इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं और अपने भारत स्वाभिमान की इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएं। कितने लोग आप आज तक आप इनको ट्रेनिंग दे चुके हैं योगा की? हम 60 और 70 के बीच में। तो कितने लोगों को फ़र्क पड़ा योगा से? 15-20 का तो विद रिजल्ट है, रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। तो राम बाबा रामदेव जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा रामदेव जी की स्वामी जी जो श्रद्धेय स्वामी जी के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि योग के बारे में तो पहले ऋषि मुनियों ने योगा के बारे में योग सिखाया, बताया, किताबों में देखा पढ़ा कैसे होता है, पर इन्होंने जो हमारे हर घर घर तक पहुँचाने का जो मुद्दा उठाया है वो हमें इनका बहुत ही सराहनीय लगा। और एक स्वामी जी एक सन्यासी होते हुए इतना बड़ा काम जब कर सकते हैं, तो हम लोग इतने परिवार वाले, रिश्तेदारी वाले इस चीज़ को कहीं ना कहीं तक इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंचा सकते हैं।